अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजधानी भोपाल में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आइए जानते हैं हमारे भोपाल संवाददाता राकेश शर्मा से कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या मामले को लेकर फैसला अब सामने आ चुका है और तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस और प्रशासन दोनों ही मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं भोपाल के पुराने भोपाल के पीरगेट चौराहे पर मौजूद हैं। यहां पर आज शनिवार का चूंकि दिन भी है और इसी कारण से यहां पर इस मंदिर में भक्तों का जमावड़ा भी है, लेकिन वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज की बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स जिला पुलिस बल और समेत अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं जिनकी यहाँ नियुक्ति तैनाती की गई है वो यहाँ मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हम देख सकते हैं कि जो ये जो चूंकि ये संवेदनशील इलाकों में ये माना जाता है, इसी कारण से जिला और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे खास तैनाती की गई है पुलिस कर्मचारियों की और अधिकारियों की। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो जो कलेक्टर भोपाल और IG इरशाद अली साहब हैं जो अभी दोनों ही यहाँ से राउंड करके गए हैं, वो दोनों ही पुलिस अधिकारी कलेक्टर और IG साहब हैं, दोनों ही यहाँ पर अभी भ्रमण करके गए हैं और उन्होंने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और देखा जाए तो इस तरह इस मामले के आने के बाद से ही जो पुलिस है और जिला प्रशासन की जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।